एक बार ये पिक देखना जरा भाई। सबसे पहले डरना नहीं है, आज मैं इन्हीं के बारे में बात करूँगी। आजकल ये फोटोज बहुत वायरल हो रहे हैं और आप ही सोच रहे होंगे जैसे कि कोई जोंबी या फिर किसी मूवी किसी पिक्चर के ये सीन होंगे या फिर ये किरदार होंगे। तो मैं आपको बता दूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल टिकटॉक जो हमारे इंडिया में तो बैन है, उस पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है और जिस बंदे ने ये पोस्ट किया है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम के जो भी जनरेटर है, उन्होंने ये पोस्ट बनाई है और ये फ्यूचर की है। उन्होंने इमेजिन किया है कि जब ये धरती खत्म होगी तो आखिरी सेल्फी, जी हाँ दोस्तों, जो आखिरी सेल्फी ली जाएगी वो इस तरीके की होगी। इससे देखो दो संदेश हमें मिलते हैं कि आप आज जो जिंदगी जी रहे हैं उसका अंत निश्चित है और वो कितना पास होगा और कितना दूर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आजकल नेचर को हम पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करने पर लगे हुए हैं, लेकिन हमें ये देखना होगा कि ये नेचर आपको बचाए रखेगी। अगर आप इसमें इन फोटोज में आप बैक साइड में देख रहे होंगे कि कैसे धरती जल रही है, उनका चेहरा खून में, ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी ऊपर की स्किन जल चुकी है, जो आज भी हम वो चीज़ें फेस कर रहे हैं। और इन फोटोज को देख के लगता है कि ये बहुत ही नज़दीक है ये वक्त। आजकल आप देख रहे होंगे दुनिया के बहुत सारे देशों में जंगलों में आग लगी हुई है। जिन देशों में कभी बर्फ़ पिघलती नहीं थी वो देश आज गर्मी की मार झेल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा घातक रूप से इस वक्त हमारी दुनिया में छाई हुई है। दुनिया के जंगल जल रहे हैं, बर्फ़ पिघल रही है, लेकिन इंसान नहीं मान रहा, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा कि ये धरती, ये नेचर, ये प्रकृति अगर आप नहीं बचाएंगे तो ये भी कल को आपको बचाने नहीं आएगी। हम सब जानते हैं कि हम इसीलिए हैं ताकि ये नेचर है, हमें उनसे ऑक्सीजन मिल रहा है। दुनिया में जो भी चल रहा है, हर एक एक्टिविटी, जो सारी चीज़ें संतुलित हैं वो इसी वजह से हैं। ग्लोबल वार्मिंग आप सब जानते हैं, इस वक्त दुनिया के बहुत सारे देश बुरी तरीके से इससे जूझ रहे हैं। जो उनके सिटीज एरिया थे वहाँ पर भी आसपास तक बहुत बुरी तरीके से आग के लपटे पहुँचती जा रही है। पता नहीं कितने हेक्टेयर जंगल तबाह हो चुके हैं। जिस धरती का हमें पता है कि ये वजूद है हमारा और उसका अंत भी किस तरीके से होगा वो भी हमें पता है, तो क्यों ना हम उसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा सा अभी से प्रयास शुरू कर दें। आप जानते हैं कि कोविड के आने से पहले, हाँ कोविड बहुत ही बुरा वक्त था सबका, लेकिन ये दुनिया को मिरर दिखा रहा था। मैं आपको बता दूं, प्रकृति अपने आप से सारी चीज़ें बैलेंस करना जानती है। जब इंसान अपनी औकात भूल जाता है तो वो उसे बताती है कि तुम मुझसे बड़ा नहीं है। और कोविड के टाइम पे नेचर ने बता दिया कि तेरा पैसा, तेरी दौलत, तेरी नॉलेज कुछ काम नहीं आएगी, काम आएगी तो तेरा हेल्दी शरीर और आसपास का साफ वातावरण। मेरा एक भाई बोलती हूँ मैं उन्हें, नरपत जी हैं जो हमारे राजस्थान के रहने वाले हैं, उन्हें ग्रीन मैन बोलते हैं। और उन्होंने एक मिशन शुरू किया है, वो साइकिल से पूरे इंडिया में जाकर उन्होंने 30,000 किलोमीटर साइकिल से तय किए हैं और अलग अलग स्टेटों में अलग अलग जगह पर जाकर उन्होंने पेड़ उगाए हैं और बहुत सारे जंगली जानवरों को उन्होंने बचाया भी है, बहुत सारे उन्होंने जानवरों को भी बचाया है। बिश्नोई समाज से है और बिश्नोई समाज हमेशा से ही नेचर के बहुत नज़दीक रहा है और वो जानता है कि पेड़ों की कीमत क्या है। लेकिन अब मुझे लगता है कि हम सबको उन्हीं की तरह सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आज हम पेड़ पौधे नेचर को बचाने के बारे में अगर नहीं सोचेंगे तो ये नेचर भी हमारे बारे में नहीं सोचेगी। दोस्तों याद रखना कि ये प्रकृति माँ की गोद में हम पलते हैं, धरती माँ की गोद से अन्न उपजता है वो हम खाते हैं। अब अगर इंसान समझने लगे कि साइंस इतना बड़ा हो गया है कि वो इन दोनों की ज़रूरत के बगैर हमें ज़िंदा रख देगा या फिर हमें प्रोटेक्ट कर देगा, तो मैं आपको बताऊं अगर ऐसा कुछ आया भी ना तो बहुत बड़े बड़े रिच लोग जो है ना, जिनकी बहुत ज़रूरत है और जो इतना अफोर्ड करते हैं, मिलियंस के मालिक हैं, शायद हो सकता है मे बी वो लोग ऐसा कुछ बना ले कि वो बच जाएं, लेकिन हम और आप उनमें नहीं हैं।
बट हम उनमें हैं कि एक छोटी छोटी सी शुरुआत से हम अब और अपने आने वाली पीढ़ी को एक ऐसी चीज देकर जाएं कि जो जिंदगी हम जी कर जाएंगे, हमारे बच्चे और उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, सब लोग अच्छे से ज़िंदगी जिए। दोस्तों, ये फोटोज हमें दिखाती हैं कि अंत इंसान ही करता है और इंसान का ही होता है। नेचर आज हमारे साथ है, कल उग्र होगी। जो धरती पर बचेगा वो भी प्रकृति का ही रूप होगा, चाहे वो ज्वलंत हो या फिर आज मुस्कुराती हुई धरती माँ हो। तो मेरी सिर्फ एक ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी धरती माँ को बचाए रखने के लिए आप सभी छोटी छोटी कोशिश करना शुरू कीजिए। आप सबका लगाया हुआ एक पौधा, अब बरसात का मौसम चल रहा है, वो एक पौधा पता नहीं आने वाली कितनी पीढ़ियों को ऑक्सीजन देगा और नेचर को क्लीन रखेगा। तो आप सभी इस बार अपनी अपनी तरफ से, ये नहीं सिर्फ लगाना है और लगाया और ओके, फ़ोटो लगाई, फ़ोटो क्लिक की, मैंने पौधा लगाया और स्टोरी पे लगा दी, इंस्टाग्राम पे लगा दी, हो गया जी। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको उसको अपने बच्चे की तरह केयर करना है जब तक कि वो खुद से अपने आप को संभालने लायक ना हो। पानी दीजिए उसको, टाइम टाइम पे केयर कीजिए, उसकी छटाई कीजिए, उसको अगर सपोर्ट की ज़रूरत है तो कोई डंडी वगैरह लगा कर बांध कर उसका सपोर्ट दीजिए ताकि वो ग्रो कर सके। और जब वो इतना मजबूत हो जाएगा ना कि खुद से थोड़ा थोड़ा संभल सके, उसके बाद सालों तक वो आपको, आपकी आने वाली पीढ़ियों को ऑक्सीजन भी देगा, छाया भी देगा और अगर फलदार है तो फल भी देगा। दोस्तों, हमारा अंत हम देख चुके हैं कैसा होगा, तो हम कोशिश करेंगे इस टाइम को बढ़ाने की। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये न्यूज और आज का जो वक्त चल रहा है उन दोनों के बारे में आप समझ पाए होंगे कि अब वो वक्त आ चुका है कि हमें अब स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने होंगे इस धरती को बचाने के लिए, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है। लोग तो बोलते हैं चांद के ऊपर उन्होंने प्लॉट ले रखा है, कोई बोल रहा है मंगल पे जा रहा है, बट भाई हम कहीं नहीं जा रहे, हमें यहीं रहना है, तो इसी को बचा कर रखना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से इसको शेयर कीजिएगा और जो भी बातें आपको अच्छी लगी वो मुझे कमेंट में भी बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको सच में कुछ तो हेल्प ज़रूर मिली होगी और याद आया होगा कि इसकी गोद के बगैर हम कुछ नहीं हैं। जय हिंद, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।